2024 का चुनाव अलग चुनाव है। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की और हिंदुस्तान के सारे नागरिकों की देन है। आप इसको मिटने दोगे? आपने ये वीडियो तो बहुत देखा होगा दोस्तों, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब जो दावा किया है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो कि असम के मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, उन्होंने ऐसा दावा किया कि जो राहुल गांधी यह लाल किताब लेकर लगातार चुनावी भाषण देते हैं और जो रैलियों में जाते हैं, तो इसको लेकर एक अलग ही दावा किया है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया है। हालांकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तो ये दावे आए दिन होते ही रहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ाई गई, और न जाने क्या क्या उनकी झूठी क्लिप वायरल की जाती है, वीडियो एडिट कर दी जाती है, आगे का भाग पीछे लगा दिया जाता है, पीछे का भाग आगे लगा दिया जाता है। तो अब जो हिमंता बिस्वा शर्मा है वो क्या दावा कर रहे हैं उसको जानकर आप हैरान रह जाओगे। ये देखिए, आपको हम सबूत के तौर पर दिखा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी ये लगे कि हम वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन आपको सबूत के तौर पर हम दिखाते हैं। ये देखिए, आप ये पोस्ट की हुई है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, जो असम के मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी संविधान लेकर घूम रहे हैं, जो लाल किताब है, वह लाल किताब भारत का संविधान नहीं बल्कि वह चीन का संविधान है, और चीन के संविधान की किताब का ही रंग लाल है, जो भारत के संविधान की किताब का रंग है वह तो नीला है, और जो राहुल गांधी लगातार रैलियों में दिखा रहे हैं वह भारत का संविधान नहीं बल्कि वह चीन का संविधान है। ऐसा दावा अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तो भाजपा कार्यकर्ता और जो अंधभक्त है वो करते ही रहते हैं। अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा दावा कर रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई होगी, चलिए आपको इसकी पूरी जांच पड़ताल दिखाते हैं। पहली बात तो जो ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के हाथ में जो किताब है वो लाल, वो भारत का संविधान नहीं बल्कि चीन का संविधान है, तो अगर हिमंता बिस्वा शर्मा में थोड़ा सा भी दिमाग है, या जो आईटी सेल के उनके लगातार जो वर्कर है वो फैला रहे इस चीज रायते को, अगर उनके पास थोड़ा सा भी दिमाग है पहले तो एक बार तसल्ली करनी चाहिए। अगर उसके बाद भी उनको यकीन नहीं हो रहा है तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये बताइए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ है, और देखिए इनके हाथ में क्या है, क्या ये चीन का संविधान नजर आ रहा आपको? जी नहीं, ये भी भारत का ही संविधान है। और ये जो लाल रंग की कॉपी की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि जो ये लाल रंग की किताब है ये चीन का संविधान है, तो ये इनकी कहीं ना कहीं एक तरह से आप मूर्खता कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि दिमाग की कमी है कंगना रनौत की तरह। अब आप देखिए, अगर आप भारत के संविधान को ऑनलाइन खरीदते हैं तो ये देखिए, तो यह लाल रंग की ही किताब मिलेगी आपको, और इसको कोई भी ऑनलाइन भी परचेज कर सकता है अगर संविधान पढ़ना चाहे तो वहां पर भी ये लाल रंग की ही किताब दी जाती है, आप इसको देख सकते हैं। अब इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कहेंगे, वो तो अब क्या कह सकते हैं, चलो दिमाग की कमियां पेशी है ही, और अकेले हिमंता बिस्वा शर्मा में तो है नहीं। अब जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह पोस्ट की उसके बाद आप हैरान रह जाओगे कि चलो हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो खुद का दिमाग नहीं लगाया होगा, लेकिन उसके साथ साथ अन्य भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ताओं ने इसी चीज को आगे बढ़ाया हुआ है, और कहा कि देखिए राहुल गांधी चीन का एजेंट है, ये देखिए राहुल गांधी भारत के संविधान को तो मानता ही नहीं है, और जो राहुल गांधी बार बार कह रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, वो भारत का संविधान नहीं बल्कि चीन का संविधान खतरे में है, और इसलिए राहुल गांधी बार बार ये बातें कह रहा है। और भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता बेचारे, शायद हो सकता है कि चलो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो और पता ना हो कि क्या भारत का संविधान की भी लाल कॉपी होती है, उनको शायद पता नहीं होगा क्योंकि पढ़ा ही नहीं होगा, कभी देखा ही नहीं होगा। और राहुल गांधी के आप चैनल पर या फेसबुक पेज पर जाओगे,
जहाँ पर यह लाल रंग की किताब दिखाई जा रही है, जहाँ पर राहुल गांधी साफ साफ बोलते दिख रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को खत्म करना चाहती है। अगर आप खुद राहुल गांधी के चैनल पर या पेज पर जाओगे तो वहां पर भी उस लाल किताब पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह भारत का संविधान है, उस पर भारत का संविधान लिखा हुआ है। अगर यकीन नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके हाथ में है, क्या वो भी चीन का संविधान है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को थोड़ा होमवर्क करना चाहिए और कुछ भी ऐसे लिखते हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चलो एक नॉर्मल कार्यकर्ता कुछ भी लिखता या करता वो अलग बात होती है, लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी चीजें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करता है, वो कहता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जो राहुल गांधी के हाथ में लाल किताब है वह भारत का संविधान है या फिर चीन का संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान का रंग तो लाल है और जो ये चीन के संविधान है उसके जो उसकी जो किताब है उसका रंग लाल है। तो अब उनसे कोई पूछने वाला हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद के हाथ में जो संविधान की कॉपी है तो क्या वो भी चीन के संविधान की कॉपी है, और ऐसी अनरगल बातें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो करते रहते थे, अब नेता भी ऐसी बातें करते रहते हैं और इन पर क्या ही बोले। और क्योंकि अगर आप कहीं से भी ये EBC की वेबसाइट पर जब आप संविधान को पढ़ने के लिए खरीदते हैं तो उस पर भी लाल कवर चढ़ा होता है संविधान की जो कॉपी है, और जो यह दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने की तरफ से, तो वह बिल्कुल फेक है और बिल्कुल अफवाह भरा दावा है, और वह एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की छवि भी खराब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी छवि खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान पर भी वो सवाल उठा रहे हैं इस तरह की बातें करके, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो यह लाल कवर वाला किताब है यह कुछ और नहीं बल्कि भारत का ही संविधान है, लेकिन राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कहें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में ऊपर उठने के लिए कहें तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसी फिजूल की बातें करते हैं, लेकिन वो शायद बेचारे खुद भी इस चीज को नहीं समझ पाते कि जो वो करना चाहते वो कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाता है, और ऐसा ही कुछ अब होता भी दिख रहा है, क्योंकि भारत का संविधान लिए राहुल गांधी बार बार रैलियों में इस बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे कि नहीं ये भारत का संविधान नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, ये चीन का संविधान लेकर राहुल गांधी लगातार रैलियों में घूम रहे हैं। हालांकि अब आपको पूरी जानकारी मिली गई होगी कि किस तरह से भारत की जनता को ये लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहते हैं, हालांकि कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। अब हिमंता बिस्वा शर्मा को ही देख लीजिए, अब वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, ना ही ऐसे के कोई छोटा मोटा नेता हो, अब आप खुद ही सोच कर देख सकते हैं कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर रहा तो फिर अन्य कार्यकर्ताओं से तो क्या ही उम्मीद करें। और आपको जानकर हैरानी होगी, उसके बावजूद भी जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर अपने जो एक्स है अभी उस पर जो यह फोटो डाला है उसके ऊपर भी ये नहीं कि किसी ने रिप्लाई किया हो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हालांकि जो मोहम्मद जुबैर है उसने जरूर रिप्लाई किया। देखिए आपको दिखाते हैं, हमने उनका अकाउंट ही खोल लिया हिमंता बिस्वा शर्मा का, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हिमंता बिस्वा शर्मा है, और इन्होंने ये देखिए कि चीन का संविधान होने की आशंका जताई और कहा कि ये इसकी जांच होनी चाहिए, तो इसके नीचे जैसे हम देखते हैं ये देखिए मोहम्मद जुबैर जो के अल्ट न्यूज के रिपोर्टर है और जो फैक्ट चेक करते हैं, तो उन्होंने ये देखिए अमित शाह भी आ गए इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ गए, ये देखिए सबके सब आ गए, और इनके फोटो तक उन्होंने साथ में दिए कि ये देखिए जो ये आप चीन का संविधान बता रहे जिसको यह लाल रंग की किताब तो देखिए सबके हाथ में है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो पूर्व राष्ट्रपति हो देश के गृह मंत्री हो उनके हाथ में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ समझने को तैयार होते हैं इन चीज़ों को, और इसी को लेकर शायद उन पर बेचारों पर तरस भी आता कि देखिए कैसे वो जो अरविंद केजरीवाल कहते थे ना कि चौथी पास राजा अकेला चौथी पास राजा ही नहीं है बल्कि जो उसके आसपास वाले लोग हैं वो भी चौथी पास ही है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है और हिमंता बिस्वा शर्मा की तो बात ही क्या करें। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारा काम था सच आप तक दिखाना, ताकि आप भी सच जान सको
कि जो इतने बड़े बड़े नेता इतने बड़े बड़े और झूठे दावे कर रहे हैं उनकी पोल खोलना जरूरी है और जनता के सामने सच होना ही चाहिए कि आखिरकार किस तरह भारत की जनता को गुमराह करने की कोशिश ये लोग करते हैं। और चुनाव प्रचार करना चलो सही है, सबका हक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये झूठा चुनाव प्रचार करते और झूठी छवि खराब करने की कोशिश करते किसी भी नेता की, वो गलत है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।